बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एक मरतबा फिर आप सब दोस्तों को पाक जॉब्स एंड नॉलेज हब में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से वैलिड सिटी लाहौर में बहुत ही शानदार जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें मुल्क भर से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल पता चल सके। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पाक जॉब्स एंड नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो में नज़र आने वाले सिलेक्ट रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिलती रहें। आप लोग मेरे चैनल पर आकर जो लेटेस्ट जॉब आई हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, एंटी करप्शन और इसके अलावा दीगर जो जॉब्स हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो भी जॉब्स हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, और आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप लोग इसमें आकर अप्लाई कर सकते हैं। पाक जॉब एंड नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब फ्रेंड। वैलिड सिटी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से जॉब की अनाउंसमेंट की गई हैं। ये गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इसमें जो असामियाँ हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसमें डायरेक्टर की असामी है जो कि एक पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, कम अज़ कम बैचलर आपकी तलीम होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट हैं, चार पोस्ट हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन, बैचलर, मास्टर की तलीम मांगी गई है। इसके बाद कल्चरल हेरिटेज स्पेशलिस्ट की पोस्ट है एक है, जिसके लिए मास्टर की तलीम मांगी गई है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर की 10 पोस्टें हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन और मास्टर की तलीम मांगी गई है। आगे पाँचवें नंबर पर ग्राफिक डिज़ाइनर की एक पोस्ट है, बैचलर, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 3 सीट हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। उसके बाद सातवें नंबर पर जो सामी है वो टूरिज्म ऑफिसर की 1 सामी है, इसके लिए बैचलर मांगा गया है। उसके बाद आठवें नंबर पर फोटोग्राफर की 1 सामी है, इसके लिए भी बैचलर की तलीम मांगी गई है। नौवें नंबर पर वीडियोग्राफर है, जिसके लिए 1 सामी है, बैचलर तलीम इसके लिए भी मांगी गई है। दसवें नंबर पर ऑटो कैड ऑपरेटर है, इसकी भी 1 सामी है, इसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है ऑटोकैड का। और आगे ग्यारहवें नंबर पर जो सामी है वो इवेंट कोऑर्डिनेटर की है, जिसकी 1 सामी है और तलीम इसके लिए बैचलर मांगी गई है। बारहवें नंबर कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 सीट्स हैं, एजुकेशन इसके लिए ICS मांगा गया है। तेरहवें नंबर पर सामी फील्ड एक्टिविटीज़ की है, जिसके लिए 2 सामी हैं, इंटरमीडिएट तलीम मांगी गई है। चौदहवें नंबर पर ड्राइवर HTV LTV की 4 सीट्स हैं, और इसके लिए एजुकेशन जो है वो मिडिल मांगी गई है, और साथ लाइसेंस मांगा गया है। तो पंद्रह नंबर पर जो पोस्ट आ रही है वो है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की 2 पोस्ट हैं, तलीम इसके लिए मिडिल मांगी गई है। 16 नंबर पर हैवी ड्राइवर की पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है, एजुकेशन इसके लिए जो है वो मिडिल है। 17वें नंबर पर माली है, इसके लिए 2 पोस्टें हैं, और ये लिटरेट है, पढ़ा लिखा जानता हो तो आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए NTS की वेबसाइट पर जाना है। NTS की वेबसाइट के थ्रू आप लोग इन जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जाना से लाहौर वैलिड सिटी में आई हैं। तो ये थी इनकी डिटेल। तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने विजिट करना है NTS www.NTS। इस पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने गूगल पे कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हुए NTS लिखना है, NTS की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी टॉप पे। तो ये आप लोग अपकमिंग जॉब्स में आ जाएंगे, यहाँ पर अपकमिंग जॉब में आप लोगों ये वैलिड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी में जॉब्स आई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले टॉप पे इसका एड एडवर्टाइजमेंट है, तो आप लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसमें जो जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई हैं वो तमाम तर डिटेल, उनकी एजुकेशन डिटेल, ये तमाम तर डिटेल यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इसका फॉर्म डाउनलोड करना है पहले। तो स्केल 17 से 19 तक के लिए फॉर्म A है, और जो नीचे बाकी स्केल रहे उनके लिए फॉर्म B है। आप लोगों ने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो फॉर्म आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने फीस सबसे पहले सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवाने के लिए लास्ट पे चलान बना हुआ है, वो चलान जो है आप लोगों ने पे करना है बैंक में, जिसकी फ़ीस है 450 रुपये। ये बैंक आप लोगों ने किसी भी ब्रांच एलाइड बैंक, HPL या MCB किसी भी ब्रांच में जमा कराना है। जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस उनकी कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस जमा कराने के बाद आप लोगों ने इसका प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने इसको टोटली फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों ने इसे सबमिट करना है नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ वैलिड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी प्रोजेक्ट प्लाट 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद।
यहाँ पे दो तरह के फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म बी जो है इसमें ग्रेड 16 से और लेकर नीचे तक के जो जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए है, और फॉर्म जो ए है इसमें 17वां स्केल 19वें स्केल के लिए है। आप लोग जिस पोस्ट पर अप्लाई कर लेंगे वो पोस्ट पर आप लोगों ने यहाँ पर आकर सेलेक्ट करेंगे, और अपने फीस बैंक में जमा करवाने के बाद, फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोगों ने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के HQ के डेस्क पर यह फॉर्म अपना सेंड कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।